नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने सिस्टम में से टेम्पररी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन फाइल को कैसे डिलीट करोगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पर हूँ, तो यहाँ से ही हम आएंगे सर्च ऑप्शन पे। ये सर्च है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रन। रन कम टाइप करने के बाद हमको एंटर करना है, या इस पर क्लिक करेंगे जो रन है, यहाँ पे क्लिक किया। इसके बाद में जो आपके सब कोड आ रहा है ये आपको लिखना है। जैसे मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, आपको क्या करना है, परसेंट टेम्प परसेंट एंटर। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं टेम्परेरी फाइल में। जैसे आप चाहे तो इसका ये भी पाथ देख सकते हो, सिस्टम में जाना है, ऐप डेटा फोल्डर होगा उसका लोकल और टेम्प, पर ये बहुत टिपिकल होता है। आपको कुछ नहीं, सीधा आपको यहीं पर आना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने रन लिखा, रन के अंदर एंटर और टेम्प और एंटर। यहाँ पर आने के बाद में आपको सीधा सभी को सेलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना है और कंटिन्यू कर दीजिए। आप जो भी टेम्प्रेरी फाइल होंगे वो जाएंगे इसमें, जो मेरे सिस्टम पर जो फाइल आपको दिख रही है, जो मेरे कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन है, जैसे आप देख रहे होंगे इतने ओपन है, इनकी जो रनिंग टाइम पर फाइल बन रही है इसलिए डिलीट नहीं ओपन, पर कोशिश करूँगा ये भी डिलीट हो जाए। अगर आप पूरे सिस्टम को बंद रखते हो, कोई भी आपकी एप्लीकेशन विंडो ओपन नहीं, तो मोस्टली सभी जो फाइल है वो डिलीट हो जाती हैं। इससे अगर टेम्प्रेरी फाइल को डिलीट होने से आपकी जो सिस्टम है उसकी स्पीड भी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।